in India, the company which needs no introduction. Started from a video library, company has expanded itself and is now producing and distributing films. Over the years, Pen has become one of the largest independent content and rights aggregators of Bollywood movies in India. The man behind this successful empire is none other than Dr. Jayantilal Gada. Jayanti bhai, aap nahi hote to ye film nahi banti. God bless you. Welcome to Chai with Manju. Our special guest today began his career by opening a tiny video shop in his father's small grocery store in Kurla, Mumbai. He is now a well-known film distributor and producer in Mumbai. He's also the founder of Popular Entertainment Network. He was recently this weekend an esteemed speaker at the Harvard India Conference. Let's meet Dr. Jayantilal Gada. Welcome to the show. Thank you. Thank you. And welcome to Boston. Thank you. So, I listened to your talk yesterday at Harvard and आपने बहुत अच्छा बोला. Thank you. And आप अक्सर बात करते हैं कि आप 10th school तक पढ़े हैं from a Gujarati medium and then you know to come as an esteemed speaker in Harvard. इस मुकाम पर आके आपको कैसा लगा? वो experience हमारे viewers के साथ share करिए. मुझे मतलब जैसे बोल सकते हैं कि गुजराती 10th मीडियम पढ़ के मैं पहली बार कोई स्कूल के कंपाउंड में गया तो और इतना बड़ा कंपाउंड और इतनी बड़ी कॉलेज देख के और इतनी बड़ी रिस्पेक्ट देख के मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मतलब मैं स्पीकर बन के हार्वर्ड में आया हूँ. और आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, हम उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में. जयंतीलाल जी, आप इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी कहानी के प्रोड्यूसर हैं तो आज हमारे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि आपकी कहानी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं. थैंक यू. एंड आपने कहा रिसेंटली कि आपकी कहानी इज़ डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज़ योर चाइल्डहुड एंड यू आर फ्रॉम कच्छ, राइट? बॉर्न इन लकाड़िया. सो टेल अस अबाउट व्हाट यू रिमेंबर अबाउट योर अर्ली ईयर्स इन लाइफ. आपको क्या याद है? बचपन तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं 10th पढ़ के सीधा काम पे लग गया था और हो सकता है मुझे काम का शौक था और आज भी है. और मैंने अच्छी लाइफ देखी. 10th पढ़ के मैंने सीधा डैड की किराना शॉप में एक वीडियो लाइब्रेरी डाली और तभी वीडियो लाइब्रेरी का बहुत बड़ा बूम था. और मैं खुशकिस्मत हूँ कि उस समय हमारे वीडियो के किंग धीरूभाई शाह थे. टाइम वीडियो और गोल्ड वीडियो उनका ब्रांड था और उनके साथ काम करने का मौका मिला. और 90s में सुभाष चंद्र गोयल, जो जी टीवी के मालिक हैं, वो चैनल लेके आए तो वो बहुत बड़ा हमारे इंडिया में बूम आया. अच्छा. क्योंकि पहली चैनल थी, आज तो 900 चैनल है. राइट, 900 चैनल इंडिया में अभी? यस, 900 चैनल है. वाओ. अभी भी डिजिटल बड़ा ग्रो होने वाला है. अभी तो दो चार ही बड़े प्लेयर हैं, बहुत सारे प्लेयर आने वाले हैं. और मुझे खुशी है कि दोनों बड़े आदमियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. और जी के साथ मैंने 2016 तक अभी मैंने एजेंसी वापस करी उनको, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए. मेरा बड़ा बेटा है धवल और छोटा बेटा है अक्षय, तो दोनों को भी इंटरेस्ट था इसी लाइन में काम करने का. तो मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने बोला कि अभी मैं बच्चों के साथ थोड़े दिन बिताता हूँ, नहीं तो उनका कैरियर ऊपर नीचे हो जाएगा. अच्छा. तो उनका कैरियर भी अच्छा स्टार्ट हुआ है. बड़ा बेटा अभी उड़ान सीरियल उसकी लॉन्च की और बहुत अच्छी जा रही है. और छोटा बेटा डिजिटल में जाना चाह रहा है. और हम हर फिल्म से जुड़ते हैं. तो जैसे कहानी फिल्म की बात करें तो अभी हम उसी डायरेक्टर की फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं 8 मार्च को. अच्छा. बदला. अच्छा. ये रेड चिली शाहरुख खान ने प्रोड्यूस की है. okay. और हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओके. फिल्म के बारे में बताइए कुछ. फिल्म तो अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ है. अच्छा. और 15 मार्च को हम रिलीज़ कर रहे हैं राकेश ओम प्रकाश महाराज की मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर. अच्छा. और पीछे अभी हमने एक कंट्रोवर्शियल फिल्म रिलीज की है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड का? नहीं, ऐसा नहीं, ये सब कोइंसिडेंट है, क्योंकि राकेश जी की फिल्म हमने पहले ली थी और ये बाद में ली थी. और मुझे खुशी है कि हम रिस्क लेते हैं. और
पेन का एक अच्छा ब्रांड बनाया हमने, और हम साल की 10-12 फिल्में रिलीज़ करते हैं, और तमिल तेलुगु में भी अभी हम गए हैं। तो कैसे पिक करते हैं आप फिल्म्स, यू नो, बिकॉज ऐसा तो लोग कहते हैं कि कंटेंट इज़ किंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गॉड, राइट? तो आप कैसे मूवीज़ पिक करते हैं जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे? एक्चुअली इसका फॉर्मूला वैसे तो कोई है नहीं कि आप चुन के, क्योंकि जिसने फिल्म बनाई है वो 12 से 15 महीना उस फिल्म के साथ रहा होता है, 18 महीना भी बोल सकते हैं। हाँ। तो वो जब फिल्म तैयार होती है तो थोड़े बहुत क्लिप्स देखते हैं हम लोग और उसकी कहानी सुनते हैं और फाइनली हम देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या बेनिफिट करके जाएगी, क्योंकि हम अपना धंधा देखते हैं, क्योंकि हमको अपनी कंपनी बचानी है। फिल्मों का धंधा रिस्क रहने ही वाला है और इसको कोई बदली नहीं कर सकता, क्योंकि कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। 75 इयर्स से यही है, मैं तो 30 साल का करियर है मेरा और 5% रेशियो ही है हमारा सक्सेस का, 95% इज अ फेलियर। तो हम भी कोई भगवान नहीं है कि हमारे पास फेलियर नहीं आएगा। खाली 5% मूवी सक्सेस? यस। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी हम बचने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फेलियर कम आ जाए और सक्सेस आ जाए, और अगर एक ही साल में हो तो 2 सक्सेस आ जाएं, 2 फेलियर आ जाएं, ताकि हम काम करते रहें। अच्छा। क्योंकि इस लाइन में 30 साल टिकना, और वो भी विदाउट फिल्म लाइन से मुझे आना, वो एक बड़ा चैलेंज था, और अभी फिल्म वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस हम भी फिल्म वाले हैं। मुझे आपकी एक बात इंटरव्यू में बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा कि बचपन में जो जिनकी आप वीडियोज़ रेंट करते थे या बेचते थे, आज उन्हीं स्टार्स के साथ आपको काम करने का मौका मिला है, तो दैट मस्ट बी क्वाइट, कभी दिल को बहुत अच्छा लगता होगा ये। हाँ, सही बात है, क्योंकि मैंने ये बोला था बच्चों को, क्योंकि अगर 10 रुपये की कैसेट जो हम रेंट कर रहे थे, बड़ी पिक्चरें तो यही बोल सकते हैं, अंधा कानून, आखिरी रास्ता, शोले, क्योंकि अमित जी का मैं भी फैन हूँ और अमित जी के साथ काम करने का मौका मिला, तो वो सबसे बड़ा ड्रीम ये बोल सकते हैं कि हम जो 10 रुपये की उनकी फिल्में रेंट कर रहे थे, आज उनके साथ फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हमारे ड्रीम तो पूरा हो गया और मैंने 2 साल के लिए रिटायरमेंट भी लिया था। अच्छा। काफी आपने अभी 56 हूँ, मैंने 52 में रिटायरमेंट लिया था, क्योंकि मैंने देखा कि एक समय ऐसा आ जाता है कि इसके बाद आपके पास कितने जीरो लग जाए तो उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारी लाइन इतनी अच्छी है कि इसमें पैसे से ज़्यादा मज़ा बहुत है। राइट राइट। आपको और क्या शौक है मूवीज़ के अलावा? बिल्कुल नहीं है। नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि योर वर्क इज़ योर फन एंड पैशन। क्योंकि मुझे तो कोई हॉलीडे भी याद नहीं रहता, मुझे लगता है कि अच्छा 4 दिन का हॉलीडे कहीं भी ले जाओ। मुझे कोई स्टेट याद नहीं है। अच्छा। हाँ, मैंने मुझे लगता है कि हमारा कंप्यूटर बहुत छोटा है। अच्छा। उसमें फालतू बातें नहीं डालनी चाहिए, तो हमारे को जो आता है वही करना चाहिए। तो मुझे फिल्म लाइन का अगर कोई सवाल हो तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट मैं आंसर भी दे सकता हूँ। अच्छा। और क्योंकि मैं अगर मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी एक धंधा का फोकस करें तो आदमी फेल ही नहीं हो सकता। अच्छा। सो जयंतीलाल जी, आपने इतनी हार्वर्ड में इतनी अच्छी एडवाइस दी, और जो लोग वहाँ कल नहीं थे और हमारी ऑडियंस है यंगस्टर्स को, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? मैं यंगस्टरों को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं भी इस लाइन में आया और यहाँ तक पहुँचा, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं SSC मीडियम, गुजराती मीडियम पढ़ के हार्वर्ड तक आ गया, तो कोई भी आ सकता है। और हर यंगस्टर को ये सोचना चाहिए कि जब उनकी उम्र 20 के आसपास हो तभी उनको ये फोकस करना चाहिए कि वो 50 की उम्र में क्या बनना चाहते हैं, तो उसको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उनको जितनी भी बाधा आए उसको सुने बगैर अपना फोकस और गोल एक ही रखें, ज़्यादा लाइनों में ना जाएं। अगर उसने फोकस किया है, क्योंकि जैसे मैंने किए, मैंने दो मीडिया किंग के साथ काम किया, धीरूभाई शाह एंड सुभाष चंद्र गोयल, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो कोई भी पहुँच सकता है।
तो उनको अपना फोकस करना है। और अगर बहुत अच्छी बात अगर, और क्योंकि हमारे ज़माने में तो ना गूगल था ना कोई कंप्यूटर था, तो हम लोगों को तो बहुत मुश्किल थी कि किसी की स्टडी करनी हो तो बहुत टाइम लगता था। हम लोग फिल्में खरीदते थे तो हम लोग बुकलेट खरीद लेके नाम लिखते थे रजिस्टर में कि राज कपूर साहब ने कितनी फिल्में बनाई, यश चोपड़ा साहब ने कितनी फिल्म बनाई, कौन से राइट्स खाली हैं। आज तो बहुत ईजी है, तो अगर आप देखेंगे तो किसी की स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट है राज कपूर साहब की और यश जी की अगर स्टडी करें तो राज कपूर साहब ने सिर्फ 10 पिक्चर डायरेक्शन किया है। अच्छा। और आज उनका नाम कितना बड़ा है आप सोच सकते हैं। राइट राइट। और यश जी ने सिर्फ 23 पिक्चर डायरेक्शन किया और उनका कितना बड़ा नाम है। तो मीडिया में पैसे से ज़्यादा मज़ा है, इससे बड़ी दुनिया मीडिया की हो ही नहीं सकती। मतलब बाकी लोगों के पास बहुत सारे लाइनों में हजारों करोड़ों रुपये होंगे, लेकिन उसको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। फिल्म लाइन वाले को इंट्रोडक्शन देना नहीं पड़ता। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि पीपल हु आर ओल्डर आल्सो, आई वुड से 40-50+, उनको बहुत मौके नहीं मिले उनके व्हेन दे वर यंगर। और आजकल वो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में। उनके लिए आपकी कुछ एडवाइस है? ज़रूर उनको भी आना चाहिए। उनको भले वो यंगस्टर से मुकाबला नहीं कर सकते बट हमारी लाइन जैसे वीडियो आई, फिर सैटेलाइट आया और अभी डिजिटल आ रहा है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुली है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।